हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजूदास ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त है। खास करके ये वीडियो हमारे असम वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, थंबनेल देख के तो आपने ज़रूर समझ गया होगा आज का जो वीडियो का टॉपिक्स है रिगार्डिंग आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के तारीख में हम सभी के पास है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई एम्प्लॉई हो। सो लगभग आप सभी को पता होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों को लिंक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंकेज प्रोसेस ऑलरेडी सभी स्टेट में, सारे देश में चल रहा है, पर आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो आप लिंकेज करेंगे, इन दोनों को लिंकेज एक समय में फ्री था, उसके बाद अभी मैंडेटरी हो चुका है लिंकेज और 1000 करके पेनल्टी लिया जा रहा है, जो कि आपको 1000 रुपये फाइन पे करके आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकेज करना है। अगर आप लिंकेज नहीं करते हैं तो आपका हर तरह का ट्रांजेक्शन, मतलब आपका जो पैन कार्ड है ये आफ्टर 30 जून के बाद आपका ये पैन कार्ड लैप्स हो जाएगा, ये लागू नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपके जितने सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह काम है, सबका सब काम पर दिक्कत आएगा, काम रुक जाएगा। सो इससे पहले कि 30 जून आपका हाथ से निकल जाए, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकेज करवा लेना बहुत ज़रूरी है। और असम वासियों के लिए यही खुशखबरी है कि सरकार ने हमें ये आखिरी मौका दिया है आधार कार्ड और पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में लिंकेज करने का, बिना 1000 रुपये फाइन भरे, वो भी 30 जून तक। तो 30 जून के पहले इन दोनों को लिंकेज करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना मोबाइल से आप घर बैठे बिना एक भी रुपये दिए किस तरह से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकेज करवा सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकेज करवा लिया है उनके लिए वीडियो नहीं है, वो स्किप करके जा सकते हैं। पर जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी तक लिंकेज नहीं हुआ, वो बिना स्किप किए कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना मोबाइल से घर बैठे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए ये जो गूगल पे आके आपको ये वेबसाइट सर्च करना है www.incometax.gov.in। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। सो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसके इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी लिंकेज है या नहीं। सो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह से लिंक करना है। सो ये जो थर्ड ऑप्शन है लिंक आधार, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्लिक किया है, उसके बाद ये ओपन हो रहा है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, ये ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आप पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेंशन क्या हुआ है, 1000 फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, पर हमारे असम वासी के लिए ये फिलहाल मैंडेटरी नहीं है। 30 जून तक ये बिल्कुल फ्री है। सो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मांग रहा है पैन नंबर और उसके नीचे मांग रहा है आधार नंबर। अभी आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालना है, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। सो मैं अभी यहाँ पर पैन नंबर एंटर करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है। अब मुझे आगे प्रोसेस करना है, देखिए मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो वैलिडेट का ऑप्शन है आपको यहीं पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या नोटिस दिया है, योर पैन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। जबकि हम लोग असम से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए इसका फीस भी एग्जेम्प्ट है और इसके लिंकेज भी एग्जाम है, पर फिर भी मैं लिंकेज करके रखूँगा क्योंकि आफ्टर 30 जून कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, सबके लिए फाइन पे करना होगा। सो अभी लिंकेज करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो कि मैंने कर दिया है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेम एच पर आधार, आधार कार्ड में आपका जो नाम है वही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिखना है। और नीचे जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो कि आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है। सो फिलहाल मैं ये एंटर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब देखिए नीचे दो छोटा छोटा बॉक्स है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड ऐसा है जहाँ पे अपना जन्म तिथि का पूरा डिटेल्स नहीं रहता है, ओनली ईयर ऑफ बर्थ रहता है, उनके लिए ये बॉक्स टिक करना है।
पर ज़्यादातर जनरली सभी का ये होता नहीं है, इसलिए इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन में है आई एग्री, यानी इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको एग्री कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब आपको क्लिक करना है लिंक आधार पर। देखिए मैंने लिंक आधार पर क्लिक कर दिया। जैसे आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। ये फाइनल पॉइंट है, अब आपको ये OTP एंटर करना है। अब मैं ये OTP एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने OTP एंटर कर दिया। अब OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है। सो मैंने ये वैलिडेट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं क्या लिखा आया है, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, जो कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंकेज हो चुका है। सो देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने आपको लाइव दिखा दिया किस तरह से अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंकेज करना है। सो 1000 रुपये बचाने के लिए जल्द से जल्द अपना मोबाइल से कर लीजिए। ना कहीं आपको साइबर पे जाना है, ना किसी कैफ़े में जाना है, ना किसी को 1 भी रुपये पे करना है, आप खुद से कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगा दोस्तों, अपना कीमती समय, अपना पर्सनल समय आपको दे रहा हूँ, आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। सो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपका 1000 पेनल्टी बचाना था। सो बस आप लोगों से मेरा इतना ही उम्मीद है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला वीडियो किस टॉपिक्स पर बनाएं, आप लोग क्या नया वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। और जो नए देख रहे हैं मेरे इस चैनल को पहली बार, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए ताकि इस तरह का ज़रूरी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, जो कि आपके व्हाट्सएप पर जितने सारे कॉन्टैक्ट है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, कृपया सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।